तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत। छोड़कर गुमराही खरीदी तो न तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न ये हिदायत याब ही हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शबे तारीख में आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे। में किसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंध रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे ले। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है, करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाती हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाओ अकसाम के मेवे पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ, और तुम जानते तो हो